माखन का कटोरा, मिश्री की थाल, मिट्टी की खुशबू, बारिश की फुहार, राधा की उम्मीदें, कन्हैया का प्यार, मुबारक हो जन्माष्टमी का त्यौहार। आप सभी को गोरखपुर न्यूज़ परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने नंदी व बछड़ों को खिलाया गुड़ चना। बलिया में बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के उपरांत मथुरा पहुंचे सीएम योगी। अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के पश्चात श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने किया विधिवत पूजा अर्चना। शाय को लखनऊ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से वापस गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोरक्षपीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद 5 छात्रों को ज्ञापन के साथ भेजा गया गोरखनाथ मंदिर। छात्रों ने हॉस्टल खाली करने के आदेश को रद्द करने की मांग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर संगीत का भी लिया आनंद। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 2 दिवसीय चित्रगुप्त मंदिर में लगाई गई अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी। राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काटकर फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। किया अवलोकन, कहा एक फोटो कर देती है पूरे समाज का चित्रण। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 मतदाता वाले बूथों पर 1500 मतदाता करने का दिया है निर्देश। अब जनपद के बूथ 4126 से घटकर होंगे 3628। राजनीतिक दल लिखित शिकायत कर दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में फोटोग्राफरों ने केक काटकर मनाया विश्व फोटोग्राफी दिवस। कहा फोटो के बिना यह दुनिया है अधूरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जलकल परिसर में रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया पंडाल। भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व का उठाया लुफ्त। कहा 2 साल से स्थगित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इस साल धूमधाम के साथ किया गया है आयोजन। और शुक्रवार को ही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम की लापरवाही से कई मोहल्लों में सड़कों पर लगा पानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जनपद में कुछ जगहों पर गरज के साथ होगी वर्षा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गो प्रेम और गो सेवा के लिए भी विख्यात है। गोवंश के प्रति उनके स्नेह का असर यह है कि उनकी एक आवाज पर गोरखनाथ मंदिर की गौशाला के गोवंश दौड़े चले आते हैं। गोवंश के बीच अपना बाल्यकाल बिताने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के दिन सीएम योगी और गोवंश के बीच पारस्परिक स्नेह संबंध दर्शनीय और अभिभूत कर देने वाला था। शुक्रवार सुबह मंदिर की गौशाला में जैसे ही योगी ने आवाज दी, नंदी व बछड़े झूमते हुए उनके पास आ गए। योगी ने अपने हाथों से उन्हें गुड़ चना खिलाकर दुलार किया। शुक्रवार सुबह बलिया में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के लिए गोरखनाथ मंदिर से रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला में गौ सेवा की। सीएम योगी आदित्यनाथ जब गौशाला पहुंचे, उन्हें देख और उनकी आवाज सुन बछड़े, नंदी और गाय दौड़ती हुई उनके नजदीक चली आई। सीएम योगी भी उनका स्नेह देख निहाल हो गए, बरबस बोल पड़े, अरे अरे देखो देखो कैसे कैसे दौड़ते आ गए। मुख्यमंत्री करीब 15 मिनट तक गौशाला में रहे। उन्होंने पूरी गौशाला का भ्रमण भी किया। इसके बाद सीएम योगी बलिया में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने बलिया पहुंचे। वहां उनके द्वारा अमर शहीद राजकुमार बाघ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दिया गया। फिर वापस गोरखपुर आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद मथुरा पहुंचे।
वहां पर उन्होंने अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया तथा मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना एवं विधिवत आरती किया। शाम को लखनऊ पुलिस लाइन में सीएम योगी जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से गोरखपुर पहुंचे और जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि में गोरक्षपीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शनिवार की सुबह मंदिर में सीएम योगी जनता दरबार लगाएंगे। उधर जो गाय है उनके लिए भी उनको खिलाने की व्यवस्था करो। आ जाओ चलो दौड़ कर दौड़ गया दौड़ कर
विद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बुधवार की देर रात दो गुटों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक गुट ने गोली भी फायर किया था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस ने वार्डन की तहरीर पर छात्र हिमांशु सिंह और यशपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तबीज दे रही है। बताया जा रहा है कि हिमांशु सिंह और यशपाल सिंह छात्र संघ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। दोनों छात्रावास का कमरा कब्जा करके रहते थे। बुधवार को फायरिंग के बाद छात्रों ने दो कमरों में आग लगा दी। मनभड़ों के जाने के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से छात्रावास खाली करने के लिए निर्देश दे दिया, जिसके बाद छात्र विश्वविद्यालय से निकलकर मुख्यमंत्री से मिलने गोरखनाथ मंदिर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने तरंग क्रॉसिंग पर रोक लिया। हालांकि छात्रों के दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने पांच छात्रों को ज्ञापन के साथ गोरखनाथ मंदिर जाने की अनुमति दी, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम विनय कुमार पांडे ने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के लिए निर्देशित किया है, जिससे छात्र नाराज हैं और मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए जा रहे थे, जिनसे बात करके उनकी बातों को सुना जा रहा है और पांच छात्रों को बात करने के लिए गोरखनाथ मंदिर भेजा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र गौतम यादव और अपर नगर मजिस्ट्रेट विनय कुमार पांडे ने कहा, हमारे गार्जियन शाम को फोन करते हैं, सुनो यार, खाना खाए, गार्जियन शाम को फोन करते हैं, कुछ पढ़ाई हो रही है, क्या घंटा पढ़ाई हो रही है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब विश्वविद्यालय डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। 8430 हम लोग अपने समस्याओं को रख सकते हैं। नहीं तो ये बताइए, हम लोग बोलवा दीजिए, कौन निर्णय लेगा, कहाँ जाए हम सब।
समस्या नहीं यहाँ का बोल रही है, 5 लोग मिलने जा रहे हैं वो भी कह दिया। आप भी बता दीजिए, आप अपने आप ही बता दीजिए कहाँ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी जाओ, हॉस्पिटल लाइट पानी बंद हो गया, खाना बंद हो गया। बात सही है, कैंपस हम लोगों का पूरा निर्लज्ज हो गया है, पूरा व्यवस्था एकदम फैला दिया गया है, बार 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 मेंटेनेंस के नाम पे। गौतम यादव, सड़क बिना आदेश किए बिना कोई नोटिस दिए हॉस्टल में रहे लीगल छात्रों को निकाल दिया गया, ताला मार दिया गया, वहाँ लाइट वहाँ की लाइटें काट दी गई और ये नहीं बताया जा रहा कहाँ आप जाएं। अभी सत्र जो कि यहाँ तक खत्म नहीं हुआ अभी, और ये लोग बिना कुछ कहे हम लोग को इन आम छात्रों को बाहर कर दिए हैं। मांगे यही है कि हम लोग को कोई दूसरी व्यवस्था ही करे, वहाँ शिफ्ट करे, अगर उनको मरम्मत के हिसाब से अगर बाहर किया जा रहा है तो बताए कहाँ जाएंगे हम लोग ये लड़के, इसकी बताए व्यवस्था करें। इनका मामला कुछ हॉस्टल संबंधी जो आवास के बारे में यूनिवर्सिटी ने इनके द्वारा जो बताया गया है, निर्णय लिया गया है, तो इनके अनुसार उचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे हॉस्टल की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, तो हमारा यही कहना है कि आप अपनी बातों को कुछ लोग एक या दो लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन से जा करके अनुरोध पूर्वक कहें, जो भी यूनिवर्सिटी का निर्णय होगा उसके बारे में उसी तरह से हम लोग कानून का पालन कराते हुए उसको कराएंगे। और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जहां भी वार्ता करनी हो जाकर के शांतिपूर्वक अपनी जाकर के वार्ता करें। ये छात्रों की भी मांगे भी बातें नहीं सुनी जा रही है, प्रशासन क्या सहयोग? प्रशासन वहां सहयोग, वहां पर अधिकारी हमारे उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं, वो जाकर के अपनी बात रखें। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रशासन बात नहीं सुनता है, बात हर कानूनी बात सुनी जाती है और उस पर कार्रवाई भी की जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। पुलिस लाइन पर तरह तरह की दुकानें लगाई गई थी, लोग दुकानों पर से सामान खरीदते नजर आए, जिसके संबंध में एसपी लाइन राहुल भाटी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस लाइन के मंदिर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। लोग लाइन में लगकर बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। झांकियों से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ पर संगीत का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ है, लोग संगीत का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सभी जनपद वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामना दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी लाइन राहुल भाटी ने कहा, मैं आ रहा हूँ।
दिनांक 19 अगस्त 2022 को जन्माष्टमी का जो पर्व है बड़े धूमधाम से पुलिस लाइन में मनाया जा रहा है। पुलिस लाइन में ही स्थित मंदिर में झांकियों से मंदिर परिसर को सजाया गया है। बहुत ही अच्छी लाइटिंग से पूरा परिसर जगमगा रहा है और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मंडली लगातार भजनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही है। और मेरी तरफ से सारे मीडिया बंधुओं को, गोरखपुर जनपद के सभी जनपद वासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसके संबंध में राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने बताया कि विश्व फोटोग्राफी दिवस पर सभी फोटोग्राफरों को बधाई देता हूँ, इसके अलावा फोटो प्रदर्शनी के आयोजन समिति को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर फोटो प्रदर्शनी लगाई जो कि दुनिया का इतिहास बताते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है। फोटो समाज का चित्रण एक फोटो में कर देती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कहा, Thank you.
बताइए आप किस भाव से करते हैं। श्रीवास्तव जी को इसके लिए बधाई दूंगा। फोटो अपने आप में दुनिया का इतिहास बताते हैं, एक ऐसा इतिहास जिसे करप्ट नहीं किया जा सकता है। देखने में चित्रण लगता है, वास्तव में पूरे समाज का चित्रण एक फोटो कर देती है। ऑफ कोर्स ये निर्भर करता है कि जो फोटोग्राफर है कैमरे के पीछे, उसकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि कैसी है। अन्यथा एक फ़ोटो समाज के इतने सारे सत्यों को उजागर करती है जिससे आप उस देश की और समाज की पूरी संस्कृति का अध्ययन कर सकते हैं। मैं इन्हें बधाई दूंगा, इन्होंने पूरे देश से और कुछ बाहर से भी, मैं देख रहा था आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर बहुत अच्छे कलेक्शंस इन्होंने यहाँ रखे हैं। जो फोटोग्राफर्स आएंगे उनको भी यह उत्साहित करेगा और नागरिकों के मन में भी फोटोग्राफ्स को लेकर के जो एक सोच पैदा होनी चाहिए वो सोच भी विकसित होगी। इसे हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इतिहास के पन्ने पर फोटो एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर होते हैं और इनका सम्मान करना चाहिए और इनको इनके आधार पर इतिहास लिखे जाते हैं, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने नंदी व बछड़ों को खिलाया गुड़ चना। बलिया में बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के उपरांत मथुरा पहुंचे सीएम योगी। अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के पश्चात श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने किया विधिवत पूजा अर्चना। शाय को लखनऊ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से वापस गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोरक्षपीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद 5 छात्रों को ज्ञापन के साथ भेजा गया गोरखनाथ मंदिर। छात्रों ने हॉस्टल खाली करने के आदेश को रद्द करने की मांग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर संगीत का भी लिया आनंद। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 2 दिवसीय चित्रगुप्त मंदिर में लगाई गई अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी। राज्यसभा सांसद डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने फीता काटकर फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। किया अवलोकन, कहा एक फोटो कर देती है पूरे समाज का चित्रण। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 मतदाता वाले बूथों पर 1500 मतदाता करने का दिया है निर्देश। अब जनपद के बूथ 4126 से घटकर होंगे 3628। राजनीतिक दल लिखित शिकायत कर दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में फोटोग्राफरों ने केक काटकर मनाया विश्व फोटोग्राफी दिवस। कहा फोटो के बिना यह दुनिया है अधूरी। श्री
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जलकल परिसर में रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया पंडाल। भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व का उठाया लुफ्त। कहा, दो साल से स्थगित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इस साल धूमधाम के साथ किया गया है आयोजन। और शुक्रवार को ही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम की लापरवाही से कई मोहल्लों में सड़कों पर लगा पानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक जनपद में कुछ जगहों पर गरज के साथ होगी वर्षा। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कार्यालय में बैठक की, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, जिसका उद्देश्य है कि जो मतदान बूथ है, एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते थे, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ कि एक बूथ पर 1500 मतदाता कर दिया जाए। अभी तक जनपद में 4126 बूथ था और 498 बूथ ऐसे थे जहां पर दो बूथ को मिलाकर 1500 से कम मतदाता हो रहे थे, जिसके बाद दोनों बूथों को मिलाकर एक कर दिया गया, जिसके बाद बूथों की संख्या 4128 से घटकर 3628 हो गया, जिसकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया है। यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिख कर दे सकते हैं, जिससे बूथ को फाइनल कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एटीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमने एक सरल सा तरीका बताया, मूत्र हेल्पलाइन सबका हल है। आपको जहाँ जहाँ अपने दांत कटवाने हैं वहाँ का फॉर्म देना है ना, वहाँ केवल आपको एनईडी नंबर देना है, बस कुछ अपलोड नहीं करना है। वो पूछता है एनईडी नंबर, आप एनईडी नंबर बता दीजिए, वो ऑटोमेटिकली वहां से रिट्रीव कर लेगा। ठीक, ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लेगा।
और मेरा ये अनुरोध है कि जिंदगी में हमेशा आईपी सेल है और बाहर साइबर कैफे में आप जाके आपको तीन डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आपका फोटोग्राफ ठीक, एक आपका बर्थ का सर्टिफिकेट और एक आपका एड्रेस का सर्टिफिकेट। तो ये चीजें सब जगह लगती रहती, आप इनको स्कैन करके अपने मोबाइल में पहले से रख लीजिए, अपने मोबाइल को या अपने उसको आप इक्विप्ड करिए, हमारे इस मोबाइल पे हमारा पूरा पूरा जीवन है, इसके सभी सभी जितने भी हमारे सभी। मैंने दो मतलब इग्नू में अभी अभी 10 दिन पहले दो विषयों में एडमिशन ले लिया है, तो अभी आएगा और दो दो साल का कोर्स है दोनों। अभी नया नियम हो गया है कि आप एक साथ दो डिग्री ले सकते हैं, पहले था कि आप एक साथ एक ही डिग्री ले सकते थे, अब मैक्सिमम आपका 4 सेमेस्टर 24 सब्जेक्ट, मिनिमम 20 सब्जेक्ट तो हो ही गए, तो 20 सब्जेक्ट की बुकलेट आपके पास आएगी उसी 12,000 रुपए में, और आप बैठे बैठे 2 साल में एक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका रजिस्ट्री का पेपर है, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, आप नेशनल डिपॉजिटरी में डाल दीजिए, स्कैन करके वहाँ, तो आपको कुछ भी लेके नहीं चलना होगा, बस आपका वहाँ आईडी पासवर्ड है, आपने कट से कहीं देना है, आपने वहाँ से उसको डाउनलोड करके फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा है NED, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं ठीक, भाई हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए का, विराज जी को पढ़ रहा हूँ एक तरफ, ओसो को पढ़ रहा हूँ और एक तरफ दो विषयों में जिनमें मैंने कहा वो भी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ रहा हूँ, एक तरफ इंगेज सेमिनार्स में भी मैंने कहा एडमिशन ले लेते सालों को ना, तो लगता है कि इसके बावजूद मेरे पास समय ही समय। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस डिप्टी DO गोरखपुर हूँ। आज यहाँ जनपद के राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई गई थी, उद्देश्य यह था कि जो हमारे मतदान बूथ हैं जहाँ पर अभी तक एक मतदान बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते थे, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त हुआ कि अब ये 1500 मतदाता तक कर दिए जाएं, तो अभी तक हमारे जनपद में 4126 बूथ था और इसमें 498 बूथ ऐसे थे जहाँ पर अगर एक केंद्र पर दो बूथ है, दोनों बूथों को मिलाकर के 1500 से कम मतदाता हो रहे थे, तो दोनों बूथ को मिलाकर के एक कर दिया गया और जो अभी तक 4126 बूथ थे हमारे यहाँ, अब वो 3628 बूथ हो गए। इनकी सूची सभी राजनीतिक दलों को दे दिया गया है कि इसको देख लें, इसका अध्ययन कर लें, यदि कहीं कोई आपत्ति हो तो उस आपत्ति को जल्दी से जल्दी विद इन वीक दे दें जिससे हम लोग इसको फाइनलाइज करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर जो बूथ है वहाँ के वो उसी केंद्र पे रहेंगे, उनका बूथ समाप्त हो रहा है लेकिन केंद्र उनका वही रहेगा जहाँ पर पहले केंद्र था। उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर फोटोग्राफरों ने केक काटकर विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया, जिसके संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग मछवार ने बताया कि 19 अगस्त 1839 में जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगे ने कैमरे का आविष्कार किया था, जिसकी घोषणा फ्रांस की सरकार ने की थी। विश्व फोटोग्राफर के अवसर पर सभी फोटोग्राफर अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी दुनिया का चौथा स्तंभ कहा जाता है, फोटो बिना यह दुनिया अधूरी है। इस अवसर पर संरक्षक राकेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विशाल राज, उपाध्यक्ष संदीप गुप्ता, महामंत्री जितेंद्र गुप्ता, अजय भारती, शुभम तिवारी, संदीप चौरसिया, शत्रुधन शर्मा, सुनील रावत, रवि वर्मा सहित अन्य फोटोग्राफर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग मछवार ने कहा, मेरा नाम अनुराग मछवार है। आज 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 19 अगस्त 1839 में जोसेफ नाइसफोर और लुइस डॉगरे ने इसका आविष्कार किया था कैमरे का, उसी उपलक्ष्य में आज हम फोटोग्राफी दिवस विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाते हैं। जो हमारे गोरखपुर के सारे फोटोग्राफर्स हैं वह सब एक छत के नीचे आके एक रंगारंग कार्यक्रम करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और पूरा एक तरह समझ लीजिए कि ये एक दूसरे से मिलने का भी काम होता है।
इसमें हमारे जो फोटोग्राफर के भाई के बच्चे और बच्चियां हाई स्कूल व इंटर में 70% से नंबर जो ऊपर पाए हैं उनको हम सम्मानित करने का भी काम करते हैं। क्या कहेंगे फोटोग्राफर के बारे में? ये फोटोग्राफर के बारे में सर, फोटोग्राफी समझिए कि दुनिया का चौथा स्तंभ कहा जाए तो भी कम है, क्योंकि फ़ोटो बिना दुनिया अधूरी है। जैसे आँख के बिना पूरी दुनिया अंधेरी है, वैसे फोटो बिना उजाले में भी पूरी दुनिया अंधेरी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस साल जनपद में धूमधाम से मनाई गई। गोलघर स्थित जलकर परिसर में श्री कृष्ण जन्म की मनमोहक झांकियां सजकर घरों और सार्वजनिक स्थलों पर लगी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि जलकर परिसर में रंग बिरंगी लाइटों से पंडाल को सजाया गया तथा भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लुत्फ उठाया, जिसके संबंध में जलकल के अध्यक्ष राम आधार पटेल ने बताया कि जलकल परिसर में जन्माष्टमी का पर्व विगत 50 वर्षों से धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते 2 साल से स्थगित किया गया था, लेकिन इस साल धूमधाम के साथ आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जलकल परिसर में दर पर दर विस्तार होता गया, गोलघर मार्केट और जलकल पब्लिक से भरा होता है, कई हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं तथा प्रशासन और पुलिस की पूरी तरह सहायता रहती है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति बनी है। समिति के लोग इसमें सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं और उनके देखरेख में जन्माष्टमी संपन्न होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जलकल एम्प्लॉयज यूनियन के अध्यक्ष राम आधार पटेल ने कहा, अध्यक्ष जलकल एम्प्लॉयज यूनियन। जन्माष्टमी का पर्व जो है विगत 40-50 वर्षों से यहाँ मनाया जाता है बड़े धूमधाम के साथ। उसी क्रम में विगत दो वर्षों से जो है कोरोना काल को देखते हुए स्थगित था, इस साल फिर धूमधाम से इसका आयोजन किया गया है। क्या इसका क्या जन्माष्टमी का पर्व जो कि 40-50 वर्षों से मनाया जाता है, पहले इसकी संक्षेप में था, धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया जो है, और इस साल बढ़ते बढ़ते इस कदर हुआ है कि पूरा गोलघर और पूरा जलकल परिसर जो है खचाखच दर्शनार्थियों से भरा रहता है, और इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग, महिला पुलिस, सब लोग इसकी व्यवस्था में रहते हैं, और जन्माष्टमी श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति बनी है, उसके लोग भी इसमें सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं, सबके देखरेख में संपन्न होता है। कितनी की भीड़ होती है? अरे एक हजारों हजार की भीड़ होती है यहाँ पे जो है, महिलाओं और महिलाओं पुरुष बच्चे सब लोग रहते हैं इसमें। हाँ, दर्शनार्थियों के लिए महिलाओं की व्यवस्था अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। जनपद में शुक्रवार को झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। आपको बता दें कि दोपहर बाद गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। काफी दिनों के बाद हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। नगर निगम की लापरवाही से कई मोहल्लों में सड़कों पर पानी लग गया, फिर धीरे धीरे पानी निकला तो लोगों को राहत की सांस मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जनपद में कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा होगी, इसलिए सभी लोग बहुत आवश्यकता पर ही घर से बाहर निकलें। बारिश के समय पेड़ के नीचे ना रहें, किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि बारिश के समय बिजली गिरने का खतरा अधिक रहता है। अभी तक मौसम विभाग के प्राप्त सूचना के अनुसार कहीं से भी कोई जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2 घंटे की बारिश में नगर निगम की लापरवाही के कारण विकास नगर बरगदवा कॉलोनी में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी, फिर धीरे धीरे पानी निकला तो लोगों ने राहत की सांस ली।
बाप रे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने नंदी व बछड़ों को खिलाया गुड़ चना। बलिया में बलिदान दिवस समारोह में शामिल होने के उपरांत मथुरा पहुंचे सीएम योगी। अन्नपूर्णा भवन के लोकार्पण के पश्चात श्री कृष्ण जन्म स्थान पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने किया विधिवत पूजा अर्चना। शाय को लखनऊ पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर शाम लखनऊ से वापस गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्यरात्रि में गोरक्षपीठ के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल खाली कराए जाने पर प्रशासनिक कार्यालय व तरंग क्रॉसिंग पर मुख्यमंत्री से शिकायत करने के लिए किया प्रदर्शन। अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद 5 छात्रों को ज्ञापन के साथ भेजा गया गोरखनाथ मंदिर। छात्रों ने हॉस्टल खाली करने के आदेश को रद्द करने की मांग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर संगीत का भी लिया आनंद। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 2 दिवसीय चित्रगुप्त मंदिर में लगाई गई अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काट कर फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारम्भ। किया अवलोकन, कहा एक फोटो कर देती है पूरे समाज का चित्रण। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने की बैठक। कहा भारत निर्वाचन आयोग ने 1200 मतदाता वाले बूथों पर 1500 मतदाता करने का दिया है निर्देश। अब जनपद के बूथ 4126 से घटकर होंगे 3628। राजनीतिक दल लिखित शिकायत कर दर्ज करा सकते हैं अपनी आपत्ति। उत्तर प्रदेश फोटोग्राफर एसोसिएशन के तत्वावधान में फोटोग्राफरों ने केक काटकर मनाया विश्व फोटोग्राफी दिवस। कहा फोटो के बिना यह दुनिया है अधूरी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जलकल परिसर में रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया पंडाल। भारी संख्या में लोगों ने जन्माष्टमी के पावन पर्व का उठाया लुफ्त। कहा 2 साल से स्थगित श्री कृष्ण जन्मोत्सव का इस साल धूमधाम के साथ किया गया है आयोजन। और शुक्रवार को ही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम की लापरवाही से कई मोहल्लों में सड़कों पर लगा पानी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक जनपद में कुछ जगहों पर गरज के साथ होगी वर्षा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।